फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और आज हम बनाएंगे फिश फ्राई या फिर फिश पकौड़ा भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इसके लिए हमें चाहिए 750 ग्राम फिश, एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक, जिसको मैंने फिश के ऊपर अप्लाई करके 2 घंटे के लिए रखा था। उसके बाद मैंने फिश को अच्छे से धो लिया है। अब दूसरा मैरिनेशन करेंगे। एक बड़ा बल्ब लहसुन लिया है मैंने, जिसको दरदरा कूटा है, डाल दिया फिश में। अब डाल देंगे थोड़ी सी कोरिएंडर लीव, जो कि मैंने बारीक चॉप किया करके लिया है। अब डाल देंगे थोड़े गर्म मसाले। तो ड्राई मसालों में मैंने लिया फिश फ्राई मसाला, देगी लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा नमक, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसालों का मेजरमेंट मैंने दिया हुआ है, लेकिन आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अनुसार, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं मसाले, और तीखा तो आप अपने टेस्ट के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। सारे ड्राई मसालों को हम मैरिनेशन के लिए डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि सारे गरम मसालों का फ्लेवर जो है वो कोट हो जाए एवरी पीसेस पर। तो अच्छे से मिलाना भी पड़ता है इसको, और इसको मिलाने में हेल्प करेगा हमारी थोड़ा सा। हम इसमें अभी ऑयल भी डाल देंगे, क्योंकि ऑयल से भी मैरिनेशन अच्छे से होता है। तो मैं अभी इसमें 1 बड़ी चम्मच ऑयल डालने वाली हूँ। ये डाल दिया ऑयल 1 बड़ी चम्मच। ऑयल आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है, मैं हमेशा डालती हूँ मैरिनेशन में थोड़ा सा ऑयल, तो मैंने इसमें भी डाल दिया। ऑयल को भी हर पीसेस पे कोट करना होता है। अब हम इसको अच्छे से कोट कर लेंगे, और इसको भी मैरिनेट करना पड़ेगा हमें लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे से ज़्यादा अगर मैरिनेशन करने के लिए रखेंगे तो वो तो और अच्छी लगती है। अब ये मैरिनेशन 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब ये मैरिनेटेड फिश हमारे रेडी है तलने के लिए। लेकिन अभी डाल देंगे उसमें 3 से 4 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको हाथों से ही मिलाना पड़ेगा। तो अच्छे से कॉर्नफ्लावर हम मिला लेंगे हाथों से, क्योंकि कोटिंग होनी चाहिए फिश के ऊपर, नहीं तो तलते वक्त सारे मसाले जो है हमारे ऑयल में आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा ये मिश्रण गाढ़ा हो गया है, तो मैं थोड़ा पानी डालने वाली हूँ इसमें। लगभग 1 बड़ी चम्मच में पानी डालने वाली हूँ। पानी डालने से क्या होगा, कॉर्नफ्लावर इक्वली कोट हो जाएगा मसालों के साथ पीसेस के ऊपर, वरना कहीं कम कहीं ज़्यादा मसाले लग सकते हैं, तो वो खाने में स्वाद अच्छा नहीं देती है। तो फिश हमारी पूरी कोट हो चुकी है पीसेस, और तलने के लिए भी हमने डाल दिया है। एक साइड से हमें उसको तलना है 3 मिनट के लिए। 3 मिनट में अच्छे से वो फ्राई हो जाती है और अंदर से कुक भी हो जाती है। आप देख सकते हैं मैंने पलटे हैं पीसेस को, तो कितनी बढ़िया देखते ही कुरकुरी लग रही है बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर आप फिश बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, टेस्टी बनती है, कुरकुरी भी बनती है, और मसालों के फ्लेवर जो है अंदर तक आ जाता है फिश के सारे पीसेस में। चलिए अब ये तल के रेडी हो चुके हैं, तो मैं निकाल लेती हूँ, और इसी तरीके से हम बाकी के भी फिश तल लेंगे। है ना, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि एक भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए अभी ये वाली फिश भी हमारी तल के रेडी हो चुकी है, और इसी तरीके से हमने सारे फिश तल के सर्व कर दिए हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। अगली बार फिर से मिलूंगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।